नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रकाश की आवाज न्यूज। आपको बताते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। जनपद प्रयागराज से, जनपद प्रयागराज में पहुंचे बागेश्वर महाराज, लाखों की तादाद में पहुंची भीड़। जी हाँ, प्रयागराज के मेजा में पहुंचे बागेश्वर महाराज, लाखों की तादाद में पहुंची भीड़। कुछ लोगों को मिला दर्शन, कुछ लोग लौटे खाली हाथ। आप देख रहे हैं प्रकाश की आवाज। देखिए हमारी खास खबर, बने रहिए प्रकाश की आवाज न्यूज के साथ। और कुछ नहीं है, और बाबा जी की जय, बागेश्वर धाम की जय। कहाँ से आए माता जी आप लोग? इलाहाबाद। इलाहाबाद से। क्या आस्था है आपके उनके प्रति? अरे बहुत है, तभी तो आए हैं। बाबा जी का दर्शन हुआ? नहीं, दूर से ही हो पाया ना। गाड़ी ऐसे निकल रही है, नहीं हो पाया। काफी दर्शन कर लिए। मतलब उनको देखी आप लोग? नहीं देखे हम लोग। नहीं देखे, जो आप सोच करके आई थी वो पूरा नहीं हो पाया। नहीं, पट्टीनाथ राय जी पूरा। कहाँ से? पट्टीनाथ राय जी का पूरा। यहाँ पे आए थे, बाबा जी का दर्शन हुआ? हुआ। भीड़ कैसी थी? बहुत जबरदस्त भीड़, बहुत ज्यादा थी। क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे जितने आए हैं देखने वाले, उन लोग का रास्ता सही से मिल जाए, जहाँ निकलना है बस टाइम से पहुँच जाए। आए तो फिर दर्शन नहीं मिल पाए, इतनी भीड़ थी। क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे कि यहाँ पर भीड़ 5 गुना से ज्यादा हो गई। अगर इनको अगर बुलाया जाए तो ऐसी व्यवस्था की जाए कि ज्यादा भीड़ को मैनेज किया जाए। आपके आपके सामने देख रहे हैं एम्बुलेंस फंसी है, क्या कहना चाहेंगे? 4 किलोमीटर जाम, 3 किलोमीटर लगा है। अब 5 गुने लोग आए हैं और एक पार्ट की व्यवस्था की। लगभग कितनी भीड़ होगी? भीड़ लगभग ये मान चलिए कम से कम 1 लाख के ऊपर लोग इस समय है, और कम से कम 2 लाख 3 लाख के ऊपर लोग। भीड़ में आप बजी हैं, मरीज तड़पा घर जा रही है। किस प्रकार से काफी ज्यादा भीड़ भाड़ थी, लगभग 1 लाख से ज्यादा तादाद में भीड़ पहुंची थी, और इतनी जाम लगी थी कि एम्बुलेंस जाम में फंस चुकी थी। उसमें मरीज थे जो तड़पड़ाते रहे। देख रहे हैं प्रकाश की आवाज। परिचय बताओ अपना। हम सीधी से आए हैं, रामचरित सेन जी, एमपी सीधी जी। क्या आस्था है आपका बाबा जी का? आस्था था मेरा सर मिलने के लिए, पहली बार आए सोचे मिल लें, भगवान से दर्शन नहीं हुआ। नहीं हुआ? नहीं। व्यवस्थापक क्या, इतनी भीड़ है वहाँ, ये अब क्या बता दें। व्यवस्थापक तो गड़बड़े हैं सब, यानी कि जितना भीड़ आई है उसके हिसाब से व्यवस्था नहीं की गई जी। जो जो आप सोच करके आए थे, जो आपकी मान्यता थी वो तो पूरा नहीं हो पाई। नहीं हो पाई सर, हो गया। हम फोटो में देख लिए हैं, इसी में दिखा दिए हैं, घोड़े गिर लिए हैं भगवान। नहीं नहीं सर, बाबा जी का दर्शन हुआ? हाँ, बाबा जी का दर्शन हुआ। हाँ, बाबा जी का दर्शन हुआ। क्या आपके मन में भी उनके प्रति आस्था है? उनके प्रति आस्था है कि अच्छा मार्ग दिखाते हैं, अपना से बहुत अच्छे भी हैं, और देश के भले के लिए। बाबा जी के दर्शन हुआ? कहाँ से आए थे आप? हम प्रतापगढ़ से आ रहे हैं। प्रतापगढ़ से दर्शन हुआ बाबा जी का? बहुत। कितनी भीड़ थी अनुमान बता सकते हैं? भैया 5 लाख पब्लिक कितना मेरे दर्शन दे सकते हैं बाबा, बताओ। 5 लाख? आप बाबा जी से हम मिले आए थे, बागेश्वर महाराज जी से? जी जी। मुलाकात हो गई? अभी नहीं। क्या नहीं हो पाया? क्या आस्था है आपकी? हमारा आस्था ये है कि इतना अच्छा जो है हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का, और बाबा जी बहुत अच्छा जो है ये सनातन धर्म को आगे बढ़ा के जो है एक अच्छी जो है प्रेरणा, एक अच्छा स्रोत जो है मार्गदर्शक दे रहे हैं हमारे हिंदू युवा को जागने की, जो है जो जय श्री राम के नारे को हमने लगाने के जो है एक निर्णय की जो है इसमें तौर पे जो है। मैं शिव भक्त अरविंद कुमार पांडे, भाजपा युवा कार्यकर्ता जमुनापार प्रयागराज से, माननीय डॉक्टर गीता बहुड़ा जोशी। इतनी भीड़ देखने में, इतनी भीड़ देख, लगभग कितनी भीड़ होगी? लगभग बहुत भीड़ है यहाँ पे, हम देख रहे हैं। कम से कम न कुछ हो तो बाबा जी का दर्शन हुआ, बाबा जी का दर्शन हुआ, बाबा जी का दर्शन। कितनी लगभग कितनी भीड़ होगी आज? हमें नहीं पता है। अनुमानित जिस प्रकार से जाम दिखाई दे रहा है, 2 किलोमीटर पे, 2 किलोमीटर दूर से गाड़ियों की कतार खड़ी है। क्या आस्था है? आस्था धर्म गुरु है, इन्होंने बागेश्वर धाम बाबा को जो है वहाँ पे इन्होंने हिंदू राज्य को जो है माता की जय, और ये जो है सनातन धर्म से जुड़े हुए। क्या लगता है कि बाबा जी के आने से अब हिंदू राष्ट्र बनने से कोई माइक राज रोक नहीं सकता? नहीं नहीं, कोई नहीं रोक सकता। बाबा जी की सरकार 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे, ये जो है हमारी एक सोच है कि बाबा जी को आगे बढ़ाना है और भारतीय जनता पार्टी को लाना है। और आप कौन? 51 35 00।